हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज दिन है सोमवार और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी पिछले कल भी, मेरे एरोकेरिया सूख रहा था तो जो मैंने बालकनी में एरोकेरिया रखा था वो भी मैंने इसी के साथ रख दिया है। और ये देखिए, ये जा रही है मेरी बेटियाँ स्कूल, ये आस्था जा रही है। टाइम लगभग सुबह के 7 बज चुके हैं और बस अब ये जा रहे हैं स्कूल के लिए, रेडी हो चुके हैं। सुबह जल्दी जल्दी उठना होता है और बस मैंने कहा इसको बाय तो कर दे और बस ये देखिए ये चली गई है। और ये देखिए, ये है आरोही, अब ये स्कूल जा रही है और टाइम अभी लगभग 7 बजे हैं और बस इनकी अभी 7:30 पे बस जाती है तो ये निकल रहे हैं यहाँ से। इनको यहाँ से 10 मिनट लगेंगे ऊपर जाने के लिए और थोड़ी देर जल्दी पहुँचना पड़ता है बस के लिए। तो लीजिए, सबसे पहले शुरू काम हो गया है हमारा, तो बेटियाँ तो जा चुकी है और ये देखिए, अब मैं सुबह सुबह आपको दिखा रही हूँ तो बच्चे चले गए और मैं साथ में लगी बाहर की वीडियो बनाने। तो ये देखिए, सूरज निकल चुका है, उठ जाइए, सूरज की किरणें पड़ गई है और आपके सारे अंधकार को ले जाएगी वो, तो उठ जाइए। तो सुबह हो गई है और पूरा संजौली देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी शाम को भी कैसा लगता है जब लाइट जली होती है पूरी। और अभी देखिए, सुबह सुबह थोड़ी सी भी धूप कहीं आई नहीं है, सीधे सुबह सुबह जब भी धूप आती है तो हमारी बिल्डिंग में जल्दी धूप आती है, लेकिन हाँ धूप जल्दी भी चली जाती है तो सुबह सीधे ही हमारी बिल्डिंग में धूप लगती है। और ये देखिए, सूरज निकल रहा है। और ये देखिए, मैं दोबारा से आपको एरोकेरिया दिखा रही हूँ। एक एरोकेरिया सूख रहा है तो मैं दूसरा भी यहीं लेके आई हूँ ताकि ये दोनों साथ में रहे, तो हो सकता है कि वो भी हरा हो जाए। और बस दोनों यहीं पे रख दिए हैं मैंने और बस पानी वगैरह डाल दूँगी। तो बस चलिए अब अंदर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है सुबह सुबह का मॉर्निंग, मंडे की मॉर्निंग है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। आराध्य सोया है, हस्बैंड गए हैं उनको छोड़ने और मैं कर रही हूँ थोड़ा सा योगा स्टेप, क्योंकि कभी टाइम नहीं मिलता है तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ, क्योंकि आज पानी भी आना है थोड़ा लेट, पानी 9 बजे आएगा तो मैंने सोचा फ्री हूँ, अभी सफाई करूँगी, अभी कुछ नहीं किया है, सारा फौज फौज वैसे ही है, थोड़ी देर पहले मैं योगा कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी इस पूरी साफ़ सफाई। तो चलिए फिर करिए योगा हमारे साथ। तो लीजिए, हमारा योगा भी हो गया है शुरू, अनुलोम विलोम और ये है बटरफ्लाई स्टेप और बस थोड़ी स्ट्रेचिंग हो गई तो थोड़ा सा करूँगी और फिर फटाफट काम करना है, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालूँगी योगा के लिए। वैसे मैं रोज़ करती हूँ, मैं सोचा थोड़ा सा बना लेती हूँ आज और ठीक रहता है, थोड़े हेल्दी भी रहते हैं। और ये थोड़ा स्ट्रेचिंग हो गया, शोल्डर वाली एक्सरसाइज हो गई तो बस अब मैं थोड़ा सा करूँगी और फिर हम करेंगे और काम, क्योंकि अभी काम भी बहुत होता है। तो चलिए ये। हेलो एवरीवन, तो अब हम आ चुके हैं किचन में और टाइम लगभग 5:30 हो गए हैं और सभी कुछ खाने के लिए बोल रहे हैं कि भूख लगी है, तो ब्रेड है और बटर और साथ में मैं बना रही हूँ चाय। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, तो बस अब
ब्रेड बटर और चाय खाते हैं। बच्चे बोल रहे हैं हमें ब्रेड खानी है, मम्मा आप चाय बना दो। तो आस्था चाय पिएगी, आराध्य पिएगा दूध और आरोही भी दूध लेगी और पतिदेव पिएंगे चाय। तो जब तक वो आते हैं तब तक मैं बना लेती हूँ। अभी वो पहुँचने वाले हैं, 6 बजे तक पहुँचेंगे तो मैं तब तक बना लेती हूँ चाय। ये देखिए मेरी है, ये देखिए। तो बस अब मैंने चाय लगा दी है और जितनी देर चाय बनती है उतनी देर हस्बैंड भी पहुंच जाएंगे। तो बस मैंने चाय लगा दी है और अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध और साथ ही मैं ब्रेड भी गर्म कर लेती हूँ। और साथ ही मेरे पास दूध के पैकेट भी है, तो बस मैं अब दूध निकाल रही हूँ और इसको भी बॉयल करने को लगा दूंगी, क्योंकि जिसको मिल्क पीना है वो मिल्क पिएगा। तो बस अब ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, वेर का दूध है। शहरों में तो ऐसे ही चलता है, थैली का दूध ही चलता है। मम्मी के घर में मिल जाता है, अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छा दूध मिलता है। तो बस ये देखिए मेरे पास सीजर भी नहीं है काटने के लिए, तो मैं नाइफ से ही काट रही हूँ। मैं आपको दिखा भी रही हूँ और बस अब मैं दूध बॉयल करने के लिए लगा दूंगी और साथ में चाय भी बन रही है, ताकि चाय तब तक बन जाए और बच्चे दूध पी ले। तो बस अब लगा दिया है मैंने दूध बॉयल करने के लिए। मेरे पास 3 वाला बर्नर वाला गैस है, तो बस मैंने तीनों पे कुछ ना कुछ लगा दिया है। और साथ ही साथ अब मैं कर रही हूँ और काम भी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, एक तरफ मैंने चाय लगाई है और साथ ही में मैंने लगा दिया है दूध भी, ताकि मैं दूध भी बॉयल कर दूं, जिसको दूध पीना है वो दूध पी सकता है। और साथ ही मैंने इंडक्शन पे लगाया है एक काढ़ा, जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ वेट लॉस के लिए। तो इसकी मैं रेमेडी है एक तरह से, तो इसको मैं आपको बताऊँगी बाद में। मैं अभी अपने ऊपर यूज़ करूँगी, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपके साथ भी इसकी रेमेडी शेयर करूँगी। तो ये लगा दिया है मैंने काढ़ा बनने के लिए, इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो ये मैंने इंडक्शन पर लगाया है और ये बन रहा है, उबल रहा है। और साथ ही में मैंने ये देखिए साथ ही में मैंने लगा दी है ब्रोकली, क्योंकि बच्चे करते हैं पसंद ब्रोकली खाना, और मैं इसको बॉईल करके बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा आप तेल डालोगे और इसको छौंका लगा दोगे और हल्का सा जीरा मिर्च, तो बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं इसको बॉईल करके रख देती हूँ तब तक। और साथ ही मैं दूध बॉईल करने के लिए लगा दिया है, चाय में बना रही हूँ और इंडक्शन पर लग गया है हमारे काढ़ा। तो बस फिर अभी मैं ब्रेड गर्म करूँगी और हम इंजॉय करेंगे अपने ब्रेड और दूध। दूध भी उबल रहा है, जिसको दूध पीना है उसको दूध मिलेगा और जिसको चाय पीनी है उसको चाय मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बस अब मैं ब्रेड गर्म कर रही हूँ, हम खाते हैं ब्राउन ब्रेड और अच्छी होती है। तो बस अब मैंने इसको गर्म कर लेना है और साथ में है मेरे पास बटर, तो वो भी मैं इस पर लगा लूँगी। और बस घर में ऐसी चीज़ें चाहिए ही होती है, क्योंकि बच्चे कभी भी फरमाइश कर लेते हैं। और ये देखिए मैं ब्रेड गर्म कर रही हूँ, मैं दिखा भी रही हूँ आपको। और साथ ही मैं इसके पीसेस बना देती हूँ। अब इस तरह से खाते हैं सभी, पीसेस कर लेंगे और इसके अंदर से अंदर बटर डाल देंगे और बस फिर सभी खाएंगे दूध के साथ, चाय के साथ। और ये देखिए थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो काफ़ी टेस्टी बनती है और क्रिस्पी भी बनती है। ये देखिए इस तरह से क्रिस्पी बनती है, अगर थोड़ा सा आप इसको थोड़ी देर के लिए मीडियम आंच पर पकाओ तो बस। और ये देखिए मैंने साथ ही साथ में काट भी लिए हैं कोई पीसेस और कुछ गर्म कर रही हूँ। और ये देखिए बटर मैंने पीसेस पहले ही काट के रखे हैं, मैं जैसे जैसे ब्रेड गर्म कर तो उसमें लगाती रहूँगी। तो मैं आई हूँ अभी इवनिंग वॉक के लिए और ये देखिए कितनी सारी लाइट जली है, लोग आ रहे हैं, तभी धीरे धीरे बोल रही हूँ। सुंदर लगता है, इतनी सारी लाइट है। थोड़ा इवनिंग वॉक के लिए आई थी कि घूम लेते हैं और तभी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। अब मैं वापस आ गई हूँ, हाथ पे है मास्क, अभी लोग कम है इस वजह से नहीं लगाया है। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रहा है संजौली। बहुत अच्छा लग रहा है, और
बाद मैं थोड़ा ऊपर आ गई हूँ और यहाँ से देखिए पूरा दिखाई दे रहा है, कितने सारी बिल्डिंग्स हैं और काफ़ी पॉपुलेशन हो गई है संजौली में भी। ये देखिए वो पीक लास्ट ऊपर चौक है, वहाँ दिख रहा है। और ये है जो कॉलोनी नीचे वाली दिख रही है, ये है हाउसिंग बोर्ड वाली कॉलोनियाँ। और साथ ही में मेरा सांस चढ़ रहा है तो मैं अब चल रही हूँ। घर में रह रह के भी बोर हो जाते थे, थोड़ी देर सोचा कि घूम के आती हूँ, थोड़ी देर वॉक भी हो जाएगी और फ्रेश भी रहेंगे। तो चलिए फिर अब घर में मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ कि सब सो चुके हैं और रात के लगभग 11 बज चुके हैं और सब सोए हैं। तो मैं वीडियो की एंडिंग करना भूल गई थी, तो मुझे याद आया कि मुझे वीडियो की एंडिंग करनी है, एडिटिंग करूँगी सुबह उठ के। तो फिर मैं सोचा अभी कर देती हूँ पहले। तो ये देखें, मैं स्वेटर स्वेटर उतार चुकी हूँ और अब सोने की तैयारी है और सभी सो चुके हैं। ये देखें, राध्य भी सो चुका है इधर हमारे पास। तो सभी सो चुके हैं और हस्बैंड भी सो चुके हैं, सभी सो चुके हैं। तो मुझे याद आया कि आज एंडिंग, अभी मैं एंडिंग करना भूल गई हूँ वीडियो की। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं तक, अब मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। और अब मेरे ब्लॉग को आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे चैनल की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। और जो भी व्यूवर्स हैं, जो नए देख रहे हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर गुड नाइट, टेक केयर और मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।